महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मतभेद बरकरार है। 28 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। इन सीटों पर सहमति बनाना चुनौती है। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें मुंबई में हुए महाविकास अघाड़ी के मंथन की है। एमवीए की 9.5 घंटे तक चली मैराथन बैठक में सभी 288 सीटों पर चर्चा हुई। एमवीए की इस बैठक में 90% सीटों पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया। 260 सीटों पर सहमति जताई गई तो 28 सीटों पर गतिरोध बरकरार है। 20 से 25 सीटों पर फैसला पार्टियों के आलाकमान पर छोड़ा गया है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे इन सीटों पर अंतिम फैसला लेंगे। महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि जल्द ही सीटों पर फैसला लिया जाएगा। 288 जगह में से अगर 260 जगह अगर एक साथ हम मिलकर डिसाइड कर सकते, थोड़ी सी जगह रहती है, सब लोग अपने अपने ताकत हमारी एरिया में, तो वैसी जगह है, तो इसलिए हमने आज डिसीजन लिया कि हाईकमांड के पास भेज के उसमें वो डिस्कशन हो। जबकि एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने कहा है कि बहुत जल्द महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, इनकी आज बैठक हुई और बहुत जल्दी हमारे जो मित्र पक्ष है उनको भी हम साथ में लेके बैठने वाले हैं। महाविकास अघाड़ी में कुछ सीटों पर मतभेद बना हुआ है। आज संजय राउत सीटों के गतिरोध पर राहुल गांधी से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नेता कुछ सीटों पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में सीटों की खींचतान बड़ी चुनौती है। कुछ सीटों पर शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस तीनों दल दावा कर रहे हैं। मतभेद वाली सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की बातचीत चल रही है। अब उम्मीदवारों की लिस्ट 20 अक्टूबर के बाद आने की संभावना है। सीटों के विवाद पर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता फैसला नहीं ले पा रहे। सीटों पर विवाद होने की वजह से महाविकास अघाड़ी की लिस्ट में देरी हो रही है। महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की।